मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद आसिफ, और आज हम मोटर और अवामे के बारे में बात करेंगे। और ये हमारे पास एक अवामा है, इसे सऊदी में अवामा कहते हैं, और इस अवामे का काम ये है कि आपके घर में जो भी टैंकी होगी पानी की, ये उसको उसके अंदर ही लगाया जाता है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि आपका पानी ज़ाया ना हो, और ये आपकी जो टैंकी होगी उसके अंदर ही इसको लगाया जाएगा। घर के अंदर जो टैंकी है उसके अंदर पानी कम होगा तो ये आपकी मोटर को ऑन कर देगा, और जैसे ही पानी टैंकी में फुल हो जाएगा तो उसको ये बंद कर देगा, ऐसे ऊपर हो जाएगा। तो इसको लगाने का मकसद ये है कि आपका पानी ज़ाया नहीं होगा। ये इसका एक बटन है, हम इसके बटन यूज़ करेंगे एक, और आपको एक ही बार इसको ऑन रखना है, ठीक है? फिर आपको ऑफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे आपकी टैंकी फुल हो जाएगी तो ये जो अवामा है इसको बंद कर देगा। तो किस तरीके से इसे कनेक्शन किए जाते हैं इस वीडियो में देखेंगे। मोटर की जगह पे मैंने बल्ब यूज़ किया है, और मोटर हो या बल्ब एक ही बात है। और आप दोस्तों को दिखाने के लिए कि इसके कनेक्शन किस तरीके किए जाते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपकी लाइन जो होगी वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है? आपकी जो मेन लाइन होगी वो डायरेक्टली इसमें चली जाएगी, और जो आपकी मोटर की तार होगी आपने एक लाइन में लगा देनी है, और एक तार जो आपकी होगी वो अवामे के साथ जोड़ देनी है, और अवामे की एक तार आपने इस न्यूट्रल में लगा देनी है। इस तरह इसके कनेक्शन है, और कनेक्शन करके भी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले है ये हमारी लाइन है, एक न्यूट्रल है और एक फेस है। तारे मैंने पहले से ही थोड़ी थोड़ी छील दी हैं, आपको न्यूट्रल के अंदर इसको न्यूट्रल लगा देनी है। फेस के अंदर फेस लगा देना है। आपका जो करंट होगा वो डायरेक्ट इसमें इस इन में लग जाएगा, यानी कि आपको आउट में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा करंट है, और ये जो करंट मेन आएगा, मेन लाइन, वो डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस में लग जाएगी। और इसमें तीन वायर रहती हैं। ये जो सुरमई है ये आपका जो ज़मीन पे आपकी टैंकी होगी उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी सुरमई और ये ब्लैक वाली, ठीक है? और जो अगर आपका छत पे होगा तो एक ब्लैक और एक ब्लू इस्तेमाल की जाती है, ये इस्तेमाल नहीं होगी। तो हमें फ़िलहाल ये दो चाहिए, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इन दोनों को थोड़ा सा छील लेते हैं। छीलने के बाद कोई एक तार जो हमारी है वो इस हम बटन के अंदर लगा देंगे, जैसे कि हमने ये हमारी ब्लैक तार हमने न्यूट्रल के अंदर लगा दी। और एक तार हमारी बच गई है, ये तार जो है हमारी किसी काम की नहीं है। और जो भी आपकी मोटर होगी, मोटर की दो तारें होंगी, और दो तारों में से आप एक दोनों को छील लेना है थोड़ा थोड़ा। छीलने के बाद आपको ये जो बटन है उसी के अंदर लगा देना है। मोटर की एक तार बच जाएगी और अवामे की एक तार, इन दोनों को आपस में जोड़ के आपने टेप कर देनी है। तो टेप करने के बाद कनेक्शन इसके हो चुके हैं, और इसका जो अभी है मेन लाइन वो ऑन करते हैं। हम अपनी मेन लाइन अभी ऑन करते हैं, और हमने मेन लाइन ऑन कर दी। देख सकते हैं अभी ये बल्ब जल गया है। तो जब भी आपकी टैंकी होगी उसके अंदर आप इसको लगाएंगे, ठीक है? जैसे ही पानी कम होगा
तो ये नीचे की तरफ होगा, तो आपकी जो मोटर होगी वो ऑन हो जाएगी। मेरे पास मोटर नहीं थी अभी, तो मैंने बल्ब से ही काम चलाया आप दोस्तों को समझाने के लिए कि इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। तो जैसे ही आपकी जो टैंकी होगी उसका पानी यानी कि पूरा हो जाएगा, फुल हो जाएगी, तो ये ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर आएगा और ऐसे बंद हो जाएगा। और जैसे ही ये बंद होगा तो आपकी मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, ठीक है जी। जैसे ही पानी कम होगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, आपकी मोटर को ऑन करेगा। जैसे ही पानी फुल हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ आएगा। करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को भी दबा दें। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं।